अस्सलाम वालेकुम, अमियाबियाज हेयर। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ शर्ट्स हैं कैस्ट्रिया की, एम्बेलिश्ड गोटा वर्क के साथ, आर्का काम है और मिरर वर्क है। कुछ आइडियाज़ आप लोगों को मिल जाएंगे कि आप अपने आर्म से सूट्स को किस तरह से जो है ना वो एक नया लुक या फैंसी लुक दे सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट आर्टिकल जो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये शर्ट है कैस्ट्रिया की लॉन स्टफ के ऊपर। और लॉन के अलावा अगर आपके पास खद्दर है, कॉटन है, तो आप उस पर भी जो है ना इसको इस तरह से बना सकते हैं। ये सारा हाथ का काम है, आई थिंक इसको कहते हैं आर का काम। और इसमें इसका जो है ना वो थ्रेड यूज़ हुई भी है, और साथ इसमें जो है सिक्वेंस या सितारा जो जो कहा जाता है वो इसमें जो है ना यूज़ हुए हैं। जस्ट इसमें जो है ना वो दो तीन ही जो है ना वो जो है ना इसमें यूज़ हुई हैं चीज़ें, सितारे हैं इसमें लगे हुए। और ये जो इसका गोल्डन साइज का जो थ्रेड है वो है, और साथ इसमें ये बीड्स लगे हुए वाइट कलर के। तो कोई भी अगर आपके पास इस तरह का प्रिंट है घर पे, कोई भी अगर इस तरह की शर्ट है, तो आप इसको इस तरह से बनवा सकती हैं या फिर बना सकती हैं। इट्स अप टू यू कि आप कितनी कितने समझदार हैं। ये इस शर्ट का जो है वो कंप्लीट नेकलाइन का लुक है। मेहनत इसके ऊपर है, लेकिन बनने के बाद ये बहुत खूबसूरत इसका जो है वो लुक निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट शर्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपने कहना ये तो प्रिंटेड है। जी बिल्कुल जनाब, ये प्रिंटेड है, और प्रिंटेड ये बस अच्छी लग रही है वैसे, प्रिंटेड भी नॉट बैड। इसका प्रिंट बहुत खूबसूरत है, इसका भी स्टफ लॉन है। ये भी शर्ट जो है वो कैसरिया की है। स्टैम्प में आपको साथ में शो कर दूँ, बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि कैसरिया की स्टैम्प कैसी होती है ओरिजिनल। तो दिस इज़ द ओरिजिनल स्टैम्प ऑफ कैसरिया। ठीक है जनाब। अच्छा, ये इनकी लग्जरी के आर्टिकल्स होते हैं। अमूमन जो कैसरिया की आती है ईद की कलेक्शन, तो उसमें इस तरह के आर्टिकल्स आते हैं। लॉन इनकी बहुत औसम होती है, बहुत टॉप क्लास होती है। ठीक है, अच्छा जी, इससे पहले मैंने जो आपको शो की थी वो थी सिंपल शर्ट, प्रिंटेड शर्ट, और ये है एम्बेलिशमेंट के साथ। ठीक है, दोनों शर्ट्स मैंने आपको दिखा दी कि आप लोग को आइडिया हो जाए। ये इसके ऊपर इस तरह से जो है ना काम हुआ हुआ है, इसका बड़ा प्यारा सा गोटी है, साथ में मिरर वर्क है, आर का काम है। ये देखिए मरूड़ी वर्क है, आई थिंक गोटी वर्क या मरूड़ी वर्क कहते हैं इसको। ये इसके ऊपर मरूड़ी वर्क के साथ में मिरर शिरर लगे हुए हैं, बहुत खूबसूरत सा आर्टिकल है ये वाला भी। ठीक है, प्रिंटेड शर्टें आपको मिल जाएंगी, मुझसे भी मिल जाएंगी, और मे बी आउटलेट पे भी कहीं कोई बच्ची खची मिल जाए आपको। ठीक है, तो मुझसे अगर आपने ऑर्डर करनी हो तो आप मुझे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए और आप उसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सही हो गया, प्राइस मैं इसके भी यहाँ नहीं बता रही आपको, मेरी शर्ट मेरी मर्ज़ी। ठीक है, तो ये आपको जो है ना शर्ट इस तरह से आप इसको एम्बेलिश करवा सकते हैं। आपके पास भी अगर कुछ तरह का प्रिंट पड़ा हुआ है घर में, तो आप इससे आइडिया लेके इसको बना सकते हैं, और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत बहुत हसीन शर्ट लगेगी। एंड द नेक्स्ट मोस्ट हसीन शर्ट थी वाली, बहुत खूबसूरत शर्ट थी, ब्लैक कलर की है, लॉन की, और इसके ऊपर भी ये सारा जो है ना मिरर वर्क है। ये जो लश्कारे मार रहा है ये इसमें मिरर लगा हुआ है। ठीक है, हाथ से ये देखें, ये इसके ऊपर कहीं कहीं इन्होंने हल्की फुल्की से एम्ब्रॉयडरी की है, कलरफुल धागा यूज़ किया हुआ है, तो उसने टोटली शर्ट का लुक ही जो है वो चेंज कर दिया है, शर्ट में जान डाल दी है। ये देखें जनाब कितनी अच्छी शर्ट लगी है वाली। ये इसका नेकलाइन है सारे का सारा, बाकी तो प्रिंटेड शर्ट है, ये बाकी सारे प्रिंटेड है, जैसे इन्होंने नेकलाइन को एम्बेलिश की हुई है। ऐसे आप भी अगर कोई चीज़ इस तरह से जो है ना वो डिज़ाइन करते हैं या बनाते हैं, तो आप उसके ऊपर हल्का फुल्का सा अगर रखेंगे ना हाथ, तो उसका लुक ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे कि आप उसकी खिचड़ी बना दें, खिचड़ी अक्सर अच्छी नहीं लगती ज़्यादा। ठीक है, तो ये इसका नेकलाइन था सारे का सारा, और इसकी स्लीव्स के लिए भी इन्होंने बैक साइड पे जो थी पट्टी दी हुई थी इस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड, तो ये भी आप जो है ना आइडिया कॉपी कर सकते हैं। ठीक है जनाब, ये देखें, ये इन्होंने यहाँ पर भी जो है वो एक एक मिरर लगा कर, तो ये एक्स्ट्रा इन्होंने वो दी थी पट्टी कि आप इसको दामन पे या स्लीव्स पे या फिर ट्राउज़र पे, जहाँ आपका दिल करे आप इसको लगा लीजिएगा। पता नहीं कि किसने कहाँ लगाया था, बट ये कि ये शर्ट बहुत खूबसूरत थी इसकी मिरर वर्क के साथ। तो एक ये भी मैंने आपको जो है ना वो डिज़ाइन शेयर किया है पूरा आइडिया। ये हरियाली शर्ट है जनाब, हरी भरी हरियाली शर्ट, इसके ऊपर भी मिरर वर्क हुआ हुआ है,
और ये सारे का सारा नेकलाइन के ऊपर। इसके ऊपर और कोई ख़ास जो है ना वो मिरर मतलब एम्बेलिशमेंट नहीं है जिसमें टांके शांके लगे हुए हैं, ये देख लीजिए ठीक है। और या फिर ये इसके ऊपर जो है मिरर वर्क, लेकिन ये भी बहुत खूबसूरत शर्ट थी, बहुत हिट गई थी शर्ट ये वाली भी। ये इसका लुक है जनाब। और इसकी पॉकेट थी, पॉकेट के ऊपर भी जो थी उस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। ठीक है, आजकल तो वैसे भी इस तरह के जो ना पैटर्न काफ़ी ज़्यादा इन है, तो आप किसी भी ब्रांड की या लोकल शर्ट लेकर उसको इस तरह से जो है वो बड़ा खूबसूरत सा लुक दे सकते हैं। नेक्स्ट वन बड़ी सरप्राइजिंग सी शर्ट है, ये सिंपल है प्लेन। और यहाँ जाहिर है कि आपने इसको देख के कहना है हाँ ठीक है, बस ठीक ही है, इतनी कोई मज़े की शर्ट नहीं है ये वाली, ठीक है। बट जब इसके ऊपर आप काम देखेंगे तो आप कहेंगे वाओ। ठीक है, ये तो खैर सिंपल सी है, ये भी अवेलेबल है मेरे पास, आपको मिल जाएंगी। अच्छा जनाब, ये नेक्स्ट वन, ये इसके ऊपर इस तरह से साइड पे सारा खूबसूरत सा इन्होंने गोटा वर्क किया हुआ है, देखे ना लुक आ गई ना शर्ट की, शर्ट में जान पड़ गई। ये देख लीजिए, ये इसकी नेकलाइन के ऊपर सारा रूढ़ी का वर्क है और दरमियान में इन्होंने गोटे की जो है ना वो एम्बेलिशमेंट की हुई है सारी की सारी, इस तरह से बीड्स इसमें लगे हुए हैं, सिक्वेंस लगे हुए हैं। और इसका जो लुक निकल रहा है कंप्लीट होने के बाद, इट्स ऑसम। मीन्स कि इस तरह की शदीद गर्मी जब होती है तो आप इस तरह की शर्ट्स अगर मेहंदी शादी पे, माइयों पे अगर वेयर करते हैं या किसी इंगेजमेंट में तो अच्छी लगती हैं। इसके साथ कोई आप दुपट्टा ले लें ज़रा फैंसी सा, आहा क्या लुक निकलता है इस शर्ट का। ठीक है जनाब, तो ये भी एक आइडिया है कि आप इस तरह से भी जो है ना शर्ट्स को एम्बेलिश कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही बाय करें, आप अपनी किसी भी शर्ट को इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं और उसका लुक इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉटन पे कर लें आप इसको लॉन पे कर लें या खद्दर पे कर लें। कह सकते कि खद्दर पे भी ऐसी शर्ट्स आती हैं गोटे वर्क के साथ और मिरर वर्क के साथ, और बहुत औसम लगती हैं। नेक्स्ट शर्ट मेरे पास जो है ये भी जनाब एम्बेलिशमेंट के साथ है। ये उसके ऊपर सारा जो है ना मिरर वर्क इस तरह से, वाह वाह बड़ा ही प्यारा सा हसीन सा खूबसूरत सा जनाब, ये देख लीजिए। ठीक है, इस पे सारा जो इस तरह से मिरर वर्क है और ये भी अच्छी लग रही है शर्ट। ये भी शर्ट बहुत प्यारी थी, इसमें दो कलर्स आए थे। अच्छा, ये मैं आपको जो शो कर रही हूँ ये एम्बेलिशमेंट के साथ है, ठीक है। और इसमें पिंक कलर, ये वाला बड़ा प्यारा सा शर्ट का कलर है ये भी, ये देखें। अब ये सिंपल है, इस पे रौनक नहीं है, उस पे रौनक थी, जिस पे रौनक थी उसका अलग ही लुक नज़र आ रहा है। ये बगैर रौनक के पिछाड़ी, मतलब इस पे हमने रौनक ऐड नहीं की हुई, जबकि पिंक वाली पे जो है ना रौनक ऐड हुई हुई है। तो आप इस तरह से जो है अपनी जो है वो शर्ट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, एक नया लुक दे सकते हैं, जैसे कि कैसरिया वाले करते हैं, शनायर करता है, जनरेशन करता है, कि आप सी शर्ट को मिरर वर्क के साथ या गोटे वर्क के साथ रेडी करके उसका टोटली जो है ना उसकी जो है ना लुक चेंज कर देता है। अच्छा, अब नेक्स्ट मैं आपके साथ जो है वो लाडली के आर्टिकल जो है ना वो शेयर करूँगी दो तीन। अब आगे ईद है, बहुत सी मदर्स जो हैं वो बच्चियों की ईद के ड्रेसेस रेडी करवा रही होंगी, तो ये भी मैं आपके साथ एक इनका आर्टिकल बहुत प्यारा सा शेयर कर रही हूँ। इसके ऊपर भी सारा जो है वो हाथ का काम है और कुछ इसके ऊपर जो है वो मशीन वर्क भी हुआ हुआ है। ठीक है, ये सिंपल बॉर्डर का असल में जो है ना पीस है जो इन्होंने इसके नेकलाइन पे जो है वो एडजस्ट किया हुआ है। साइड पे इसकी ये इन्होंने लेस लगाई हुई है, गोटा लेस, ठीक है। और इस तरह से इसको जो है ना फ्रॉक इन्होंने इसका लुक दिया हुआ है। और ये इसकी स्लीव साथ में इस तरह से जो है वो डिज़ाइन की हुई है। इनकी लाडी कलेक्शन आती है बच्चियों के लिए, 4 ईयर से स्टार्ट होता है और वो 15 ईयर्स तक जो है वो जाते हैं आर्टिकल्स। और ये इनका सबसे जो था वो हिट आर्टिकल था लास्ट ईयर का, मोस्ट डिमांडिंग आर्टिकल था। ये भी मेरे पास जो है वो लाल्टी में एक आर्टिकल अवेलेबल है, तो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ। इसके ऊपर भी जो था वो मिरर वर्क था, थोड़ा थोड़ा सा सीक्वेंस वर्क था। ये देखें, ये इन्होंने इस तरह से इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ था और साथ थोड़ा बहुत उसके ऊपर मिरर वर्क है, सिक्वेंस वर्क है। तो आप भी जो है ना इस तरह की कलर स्कीम लेकर बच्चों के जो है ना कपड़े डिज़ाइन कर सकती हैं। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये, इसके ऊपर सारे के सारा ये हाथ का काम है। इसकी फ्रॉक बनी हुई थी इस तरह से, ये इसकी फ्रंट का लुक था सारा।
ये इसके ऊपर उन्होंने दामन पे इस तरह से जो है वो गोटा लगाया हुआ था, जहाँ जहाँ पे इसकी मतलब जगह बन सकती थी, ठीक है। और ये इसकी स्लीव्स थी, स्लीव्स भी सेम ऐसे ही उन्होंने गोटी के साथ जो है वो एम्बेलिश की हुई है, ये देख लीजिए। ये बहुत खूबसूरत आर्टिकल था, इनका हिट कोट था लास्ट ईयर का, बड़े में भी आया था और किड्स में भी आया था। ये इसका फ्रंट का लुक है, ठीक है, और ये इसका बैक साइड का लुक है। आप इसका प्लेन फैब्रिक लेके भी जो है ना इस तरह का आप इसको जो है वो डिज़ाइन कर सकती हैं, ईद के हवाले से बड़ा खूबसूरत सा आर्टिकल जो है ना रेडी होगा बच्चों का, गर्ल्स का, शहजादियों का। अच्छा, नेक्स्ट शर्ट मैं आपके साथ ये वाली जो है ना वो शेयर कर रही हूँ, ये भी लाडली का आर्टिकल है। इसके ऊपर भी जो है वो सारा का सारा हाथ का काम है, ये देख लीजिए, ये देखें जनाब, ये भी जो था उनसे शर्ट भी आई थी इनकी, और लाडली में भी इनकी सारी इसकी रेंज आई थी। ये साइड के इसके जो है ना स्टांसिस की जो है ना वो पैनल्स इसके डले हुए हैं। ये इसका दामन का लुक इस तरह से बना हुआ है, ये इसका इस तरह से आर्टिकल था लाडली का। ये इसकी नेकलाइन थी, ठीक है जनाब, और ये इसकी स्लीव्स के इस तरह से गोटी छोटी लग के तो ये रेडी हुए हुए थे आर्टिकल्स। ये मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, अब तो इनकी न्यू अरावल की जो है ना वो लॉन्चिंग हो चुकी है, तो आप इनकी आउटलेट पे या वेबसाइट पे विज़िट करके तो न्यू अरावल के आर्टिकल्स भी जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट इनका बड़ा खूबसूरत सा आर्टिकल है जनाब, लाडले का ये हिट कोट था, वैसे भी हिट कोट ही गया था। ये भी इनका बड़ा मज़े का बना है, बहुत प्यारा सा, इसके ऊपर सारा गोटी वर्क, ये देख लीजिए, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। ये इसके ऊपर सारे सारे गोटी वर्क था, ये गोटी लगी हुई है, इस पर फ्लावर्स साथ एक एक पीट लगा हुआ है। ये इसकी नेक लाइन इस तरह से बनी हुई थी, बड़ी खूबसूरत सी, बहुत हसीन सी। और ये इसके चॉक्स थे, चॉक्स के ऊपर इस तरह से इन्होंने जो था वो डिज़ाइनिंग की हुई थी, ये देख लीजिए, इस तरह से इसके जो है ये चॉक्स बने हुए थे फ्रंट और बैक दोनों के। और ये इसकी स्लीव्स बनी हुई थी इस तरह से, बड़ी खूबसूरत सी। अगर आप प्लेन फैब्रिक लेके भी इसको डिज़ाइन करते हैं इस तरह से तो बहुत अच्छा जो है ना उसका एक लुक लुक जो है ना बन जाएगा। या ऑल ओवर शर्ट लें और इसका साइड बॉर्डर हो तो आप उसकी नेकलाइन इस तरह से बनवा कर तो स्लीव्स को इस तरह से एम्बेलिश कर सकते हैं। इसके साथ शरारा था, बड़ा प्यारा सा बना हुआ, ये इसके साथ इसका शरारा आया था। शरारे के भी पैंचों के ऊपर इस तरह से इन्होंने जो थी वो सारी गोटी की रेस्ट लगाई हुई थी, गोटी लगाई हुई थी। ये इसका जो था वो क्या कहते हैं नी का इस तरह से, और ये इसका इस तरह इसकी बेल्ट बनी हुई थी, साथ में इसका शरारा था बड़ा प्यारा सा, दुपट्टा इसका एम्बेलिश था, हसीन सा पाउच था साथ में ईदी जमा करने के लिए बच्चों की ना, और ये साथ में इसका दुपट्टा था, ठीक है जनाब। तो ये मैंने आपके साथ कुछ आर्टिकल्स आज जो है वो शेयर किए हैं, मज़ीद कोशिश करूँगी कि न्यू अरावल के कुछ आर्टिकल्स आप लोगों को जो है ना शो कर सकूँ जो अभी न्यू अरावल के हों। और काइंडली मेरे जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें और मुझे फीडबैक भी दें कि आप लोग क्या चीज़ें जो है वो देखना चाहते हैं, ताकि फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, भैया को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।